Good morning students, welcome to next lecture of computer network. Today we will discuss about modems. बहुत कम सुना है आप लोगों ने, हर किसी घर में इंटरनेट है, जो भी हम मिलते हैं कनेक्शन उसमें क्वाइट इंक्लूड द मॉडेम। ठीक है कि मॉडेम जरूर लगा लीजिएगा, कि उसका मॉडेम लगवाया है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका आता है, ISP जो भी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सबसे पहले कहते हैं कि आपको मॉडेम चाहिएगा, आप चाहे अपना लेकर आएगा हमसे लगता है। ठीक है, तो बेसिकली मॉडेम होता क्या है, इसका मेन टास्क होता क्या है। ठीक है, किसी भी कंपनी का नेटवर्क या कुछ कुछ भी हो, हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग होता है कंपनी का अपना क्या होता है मॉडेम। जितनी भी लाइन्स होती है, जो मेन लाइन्स आती है आपके इंटरनेट को कहाँ पर कनेक्टेड होती है आपकी मॉडेम से, और मॉडेम से फिर आपके पास आता है कनेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो भी डेली टर्म समझते हैं कि मॉडेम है या उसका मॉडेम लगा रखा है या उसका मॉडेम है कौन सी कंपनी का, तो बेसिकली मॉडेम का मेन टास्क होता क्या है, जिस वर्ड को हम इतना ज्यादा यूज करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, नेटवर्किंग के अंदर उसका मेन टास्क क्या है। बिना नेटवर्क के तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, या बिना नेटवर्क अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं नहीं सुना होगा कि बिना ठीक है मॉडेम रिक्वायर्ड है। तो जब भी हम नेट की बात करते हैं, इंटरनेट पर जैसे ही हम आते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मॉडेम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जनरली हमारे पास जो डेटा है वो ट्रेवल करता है किसके एयर, यानी कि वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ओपन होता है थ्रू द मीडियम क्या हमारा एयर होता है। ठीक है, तो बेसिकली मॉडेम का जो मेन मतलब है वो मॉड्यूलेटेड एंड डीमॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेट करना और उसको डीमॉड्यूलेट करना, अब बात आती है मॉड्यूलेट क्या होता है और डीमॉड्यूलेट क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आएगा ना कि हमने कहा कि मॉडेम का जो वर्ड है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, बट ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है। देखिए जनरली जो होता है, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किसके थ्रू होता है, एक तरीके से मान के चलते टेलीफोन लाइन्स के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, मीन्स हमारे पास अगर एक नेटवर्क ये N1 है, दूसरा नेटवर्क मेरे पास क्या है N2 है, इसमें जब डेटा ट्रांसफर होता है तो ये मान के चलते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू है, टेलीफोन लाइन्स। ठीक, और इतना हम सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है इसका डिजिटल मोड में, हमने बात की थी डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन का मतलब है जो भी हमारे पास डेटा जाता है वो हमारा बिट्स की फॉर्म में आता है, 0 and 1 की फॉर्म में, दैट इज डिजिटलाइजेशन। अब लेकिन जो हमारे टेलीफोन लाइन्स है वो वर्क करती है इस पर एनालॉग पर। ठीक है, मीन्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है वो तो वर्क करता है किससे, डिजिटल मोड में, बट हमारे पास जो एनालॉग टेक्नोलॉजी है वो टेलीफोनिक लाइन्स पर होती है। मीन्स हमारे पास जो टेलीफोनिक लाइन्स है इसमें एक मैसेज को यहां से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए आपके पास कौन से सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, जनरली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं हमारे वेव के फॉर्म में जाते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग में जो डेटा जाता है वो वेव्स के फॉर्म में जाता है, और डिजिटल में जो जाता है स्टेबिलिटी होती है तो उसके थ्रू जाता है। चलिए, हमने ये कहा कि टेलीफोन लाइन्स जो है वो हमारा डेटा जो है एनालॉग में कंसीडर करती है। चलिए, हमने कहा कि जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा भेजते हैं तो हमें किसकी जरूरत है, टेलीफोन लाइन्स की। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये टेलीफोन लाइन्स है तो यहाँ पे कौन से सिग्नल्स होंगे मेरे पास, एनालॉग सिग्नल। ठीक, बट जो मेरे पास टर्मिनल है, यानी कि अगर मेरे कंप्यूटर की बात करें, अगर मैं नोट की बात करूँ या कंप्यूटर की बात करूँ, तो वो कौन सा सिग्नल समझता है, वो तो सिर्फ एक ही समझता है, वो कौन सा होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन, यानी कि डिजिटल। अब कुछ ना कुछ तो मेरे पास ऐसे डिवाइस होनी चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई डेटा तो मैं ट्रेवल करूँ एनालॉग से और मेरा वो कन्वर्ट हो जाए अपने आप ही किसमें, डिजिटल में। नहीं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न का बेसिकली टास्क होता है जितने भी एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डिजिटल सिग्नल्स को फिर फर्दर एनालॉग में कन्वर्ट करना, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न, मेन यूज ऑफ मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न करता क्या है, हमारे पास जब मैंने अपने कंप्यूटर पर कोई भी वैल्यू टाइप किए हैं, कोई भी डेटा मेरे सिस्टम से जाएगा, तो वो जो डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एनालॉग फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब वो एयर में आएगा, ओपन एयर में जब वो ट्रांसफर होगा,
जब हमारे वाइब्रेशन होंगे ओपन एयर से रिलेटेड ट्रांसफर होगा तो वहां पे हमारे रिस्पॉन्सेज इंद्रस होते हैं एनालॉग सिग्नल। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, मॉडल जो होता है हमारे पास जो हमारे घरों में भी लगा हुआ होता है वो क्या करता है, जो मेरे पास एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं यानी जितने एनालॉग सिग्नल्स आए हैं उन सबको मॉडल जो है वो कन्वर्ट करेगा कौन से सिग्नल सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में, और डिजिटल सिग्नल्स को हम एक्टिवेट करेंगे अपने पास सिस्टम में जो भी हमारे पास हो। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा किसका, मॉडल। ठीक है, मीन्स मॉडुलेटर कन्वर्ट करता है हमारे एनालॉग सिग्नल्स को इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड एनालॉग मोड एंड देन ट्रांसमिटिंग। भाई ऑब्वियसली बात है, ट्रांसमिट करने वाला मतलब कौन है, जो हमारे पास सेंडर है, जो भी सेंडर होता है वो डेटा लिखता है आपको। ठीक है, मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को मेल सेंड करनी है, तो जो आप मेल सेंड करेंगे यानी कि जो आपका डेटा है वो कौन सा डेटा है हमारे पास, डिजिटल डेटा है हमारे पास। वो जो डिजिटल डेटा है वो हमारे पास कन्वर्ट होगा किसमें, एनालॉग फॉर्म में, और एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्ट कौन करेगा, हमारा मॉडल। यानी कि मेरे पास ये सिस्टम है जिसको हम डीटीईएल बोल देते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास जो डेटा है यहाँ से कौन सी फॉर्म है मेरे पास, डिजिटल फॉर्म। ठीक है, जो ये मॉडल मेरे पास लगा हुआ है ये कन्वर्ट करेगा इसको एनालॉग फॉर्म। ठीक है, ये दूसरी जगह जाएगा और दूसरी जगह ये मेरे पास फर्स्ट है जो मेरा सिस्टम है, यहाँ पर भी मेरे पास एक मॉडल होगा जो इसको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट करेगा इसमें डिजिटल फॉर्म में, और ये डिजिटल फॉर्म से डेटा जाएगा मेरे पास सेकेंड डीटीई पर यानी कि दूसरे नेटवर्क। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास जो होता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल। तो सिग्नल्स को मॉडुलेट करना फिर फर्दर डीमॉडुलेट करना हमारे पास काम भी कौन करता है, हमारा मॉडल। और ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल्स ऑफ एनदर इट इज नोन एज डिजिटाइज्ड, इसको हम बोलते हैं डिजिटाइज करना। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में टर्म आ जाते हैं व्हाट इज डिजिटाइजिंग, डिजिटाइजिंग हमारा होता क्या, तो डिजिटाइजिंग बेसिकली जो हमारा कन्वर्जन होता है एनालॉग टू मॉडल हमारे पास डिजिटल में कन्वर्ट करना, एंड देन कि वो हमारे पास एक रिसीवर कंप्यूटर पर इजीली पहुंच जाए और वहां पर उसे वो रिसीव हो जाए प्रॉपरली, तो दैट इज नोन एज डिजिटाइज। दूसरी चीज जो हमारे पास एनालॉग फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल होती है, तो हमारे पास जो डिजिटल डिवाइसेज में है वहां पर हमारे पास दोनों ही सिस्टम पर हमारा क्या ऐड होगा, हमारे पास मॉडल ऐड होगा। यानी कि यहाँ पर सिग्नल्स मेरे पास जो फॉर्म्स है मेरे पास वो डेटा के लिए है, जब एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, यहाँ पर ये वेब रिसीव होगी और इवन फर्दर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट यूज करके मेरे पास पहुंच जाएगा सेकेंड टर्मिनल को यानी कि हमारे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इसका मॉडल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स की टाइप क्या क्या होती है हमारे पास। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डेटा किस तरीके से भेजना, कितने नेटवर्क्स में हमें डेटा सेंड करना है, क्या हमारे कंडीशंस है, उनके बेसिस पर जो हमारे फीचर्स डिफाइंड है उन पर हमारा मॉडल को हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मॉडल को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है डायरेक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, डायरेक्शनल कैपेसिटी का मतलब है हाफ डुप्लेक्स मॉडल है या फिर फुल डुप्लेक्स मॉडल है। ठीक, सेकेंडली आता है कनेक्शन टू द लाइन, लाइन पे कनेक्शन क्या है, जिसमें हमारे पास टू वायर मॉडल होगा एंड फोर वायर मॉडल होगा हमारे। ठीक है, टू वायर का मतलब है उसमें दो वायर होते हैं, फोर का मतलब है फोर केबल होंगे आपके। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मोड, जिसमें हमारे पास आता है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सबसे पहले आता है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मॉडल। देखिए, तब से पहले ही बन चुकी है कि हमारे पास हाफ डुप्लेक्स क्या था और फुल डुप्लेक्स क्या था। हाफ डुप्लेक्स में क्या करते थे, हमारे पास डेटा हमारे पास एक नोड से जाएगा दूसरे नोड पर बट वन एट अ टाइम, कि एक बार में एक ही काम होगा, या तो डेटा आएगा एक नोड पर या फिर डेटा उससे जाएगा, दोनों काम हमारे एक साथ नहीं होते। वही सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया था कि जब टर्म्स हमारे पास आएंगे उनकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बस उनकी फॉर्मिंग थोड़ा सा एनहांस
वही चीज है, हाफ टॉप टेक्स में क्या था हमारे पास, दोनों में कम्युनिकेशन होगा। भाई ये वाली सेंडर है, मेरे पास ये नोट वन है और ये नोट कौन सी है मेरे पास टू। नोट वन डेटा भी सेंड करेगी और डेटा रिसीव भी करेगी, लेकिन वन एट अ टाइम। रिसीविंग होगी तो सेंडिंग नहीं होगी, सेंडिंग होगी तो रिसीविंग नहीं होगी, ठीक है। तो मीन्स हाफ टू केस में जो मॉडर्न होता है हमारे पास, वो क्या करता है, परमिट करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को इन वन डायमेंशन एट अ टाइम। डेफिनेशन वही है, बस मॉडर्न ने क्या किया उसको एक डायमेंशन में एक ही बार में टाइम में कन्वर्ट करेगा, ये नहीं कि आपके दोनों टाइम काम हो जाए, यानी कि वो सब कोई इसमें सेंड कर रहा है तो उसको भी वो कन्वर्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो उसको भी वो कन्वर्ट कर रहे। तो वन एट अ टाइम, या तो वो क्या करेगा डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा या एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में करेगा, दोनों काम एक साथ वो नहीं करेगा। क्योंकि हाफ टू प्लेस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंडर सेंड भी करेगा रिसीव भी करेगा बट वन एट अ टाइम, एक काम वो एक ही बार में करेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मॉडल। फुल डुप्लेक्स में क्या था, आप फ्री है, दोनों नोड फ्री है हमारे, जब चाहे वो डेटा सेंड कर सकते हैं, जब चाहे वो डेटा रिसीव कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे और साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सेंड भी कर सकते हैं डेटा, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, बट यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में डाटा में बात करेंगे, मॉडल के रिस्पेक्ट में। तो मीन्स फुल डुप्लेक्स मॉडल अलाउ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारा एक साथ कन्वर्जन हो, यानी कि डिजिटल एनालॉग में भी कन्वर्ट होगा, एनालॉग सकते हैं डिजिटल में भी कन्वर्ट होगा, ठीक। अब इसके लिए हमें टू कैरियर चाहिए होते हैं, वन आउटगोइंग एंड अदर इनकमिंग, यानी कि मुझे दो लाइन चाहिए, एक आउटगोइंग के लिए और एक इनकमिंग के लिए। भाई क्या है, अगर मैं डेटा भेज रही हूँ तो यहाँ से अगर मैं डेटा सेंड कर दूँ तो मुझे क्या करना है, मेरे डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट होगा कौन से फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। बट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो जो मेरी एनालॉग सिग्नल्स है वो कन्वर्ट होगा मेरा कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। अब एक ही लाइन पर अगर मैं दोनों ही काम करा दूं तो क्या होगा, अगर मैंने एक ही टाइम पर डेटा सेंड किया, मान लीजिए मैंने सिग्नल सेंड किया और दूसरी ने भी किसी ने सिग्नल सेंड किया, तो उस सिग्नल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे और डेटा हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें दो चाहिए होती है, एक आउटगोइंग के लिए और दूसरा इनकमिंग के लिए, ठीक है। इनकमिंग का मतलब है अगर कोई डेटा आपको सेंड कर रहा है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेट नहीं करना, आपको गेट टू गेट रिसीव हो जाएगा, और अगर आप इसको सेंड कर रहे हैं तो आप चाहते हैं उसे सेंड भी कर सकते हैं, जो बेसिकली हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू वायर मॉडल एंड फोर वायर मॉडल। अब नंबर ऑफ वायर्स पर भी हमारा मॉडल डिपेंड करता है कि टू वायर है या फोर वायर मॉडल है। बेसिकली टू वायर का मतलब है जो सेम पेयर ऑफ वायर्स है, यानी कि अगर मेरे पास जो एक पेयर है वायर्स की वही मेरा इनकमिंग का काम करेगी और वही मेरा किसका काम करेगी, आउटगोइंग का काम करेगी, यानी कि डेटा आएगा भी उसी पेयर पर और जाएगा भी उसी से हमारे पास, ठीक है। अगर टू वायर कनेक्शन इज यूजुअली चीपर देन अ फोर वायर कनेक्शन एज ओनली वन पेयर ऑफ वायर इज एक्सटेंडेड टू द सब्सक्राइबर प्रीमाइसेस। अब आपके पास क्या ऑब्वियसली बात है, एक फोर वायर के थ्रू क्या होगा, एक आउटगोइंग होंगे एक इनकमिंग होंगे, तो हमारे पास दोनों के लिए अलग नहीं करना है, तो एक कंपैरेटिवली हमारे पास चीपर होता है एज कम्पेयर टू फोर वायर मॉडल, ठीक है। अब फोर वायर मॉडल में मतलब क्या, हमारे पास दोनों काम एक तरीके से फुल डुप्लेक्स होंगे। फुल डुप्लेक्स का मतलब है आएगा भी और जाएगा भी दोनों काम एक साथ होंगे, बट वन लाइन एट अ टाइम, यानी कि आने के लिए है, इनकमिंग के लिए होगी, आउटगोइंग के लिए हमारी कौन सी लाइन होगी, दूसरी वाली लाइन होगी। तो वही का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इन अ फोर वायर मॉडल वन पेयर इज यूज फॉर आउटगोइंग कैरियर एंड अदर टू पेयर इज फॉर इनकमिंग कैरियर, ठीक है। तो दो चीज हमारे पास है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ टू वायर एंड फोर वायर। टू वायर में सिंपल वही है जैसे हाफ डुप्लेक्स हमारा काम करेगा, हमारे पास एक ही लाइन होगी, उसी पर डेटा आएगा उसी पर डेटा जाएगा, लेकिन फुल डुप्लेक्स हमारा फोर वायर दोनों एक दूसरे की कंपैटिबल। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, एक लाइन हमारी आउटगोइंग के लिए होती है और एक लाइन हमारे पास किसके लिए होती है, इनकमिंग के लिए होती है। सेम वही अगर मेरे पास फोर वायर मॉडल है तो एक पेयर मेरे पास इनकमिंग के लिए होगा और दूसरा पेयर मेरे पास इसके लिए होगा, आउटगोइंग के लिए होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मॉडल। अब हमने अभी पढ़ा था एसिंक्रोनस क्या होता है, हमारे पास क्या था, एसिंक्रोनस का मतलब होता था कि हमारे पास जो डेटा है उसको क्लॉक टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई भी डेटा है,
जो भी बड़े डेटा है उसका प्रॉक्सी कोई ले नहीं मिलता। तो हमारे पास क्या था, हमने एक ही मॉडल जब ओवर पढ़ा था तो इसमें हमने दो चीजें यूज की थी, कौन सी फिर स्टार्टेड और एक कौन सी थी हमारी स्टॉप, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या था, हमारा डेटा जो एक्चुअली हमें फ्लो करा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा हमारे पास, एसिंक्रोनस जो होगा हैंडल करेगा डेटा बाइट्स को विद स्टार्टेड स्टॉपेज, इसमें दो ही चीज होंगी, एक स्टार्टेड होगी और स्टॉपेज होगी, यानी कि जो मेरा सेगमेंट है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता होगी कि कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ से नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, कोई सेपरेट टाइमिंग सिग्नल्स या क्लॉक पर्स नहीं होगा मॉडल और एनटीए के बीच, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये मेरा डेटा टर्मिनल है और यहाँ से मेरा मॉडल जो अटैच है, तो इनके बीच में कोई भी क्लॉक पर्स नहीं होगी, कोई भी टाइमिंग सिग्नल्स नहीं होगा कि इसे कितने टाइम में कौन सा काम कम्प्लीट करना है या कितने गिवन टाइम में इसको कम्प्लीट सिग्नल्स को सेंड करना है, वो सब चीजें इसके अंदर नहीं होते एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। सिंक्रोनस में क्या था, एक कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ मूवमेंट थी, सिंक्रोनस में क्या था हमारे पास, कोई स्टॉपेज स्टार्टेड नहीं थी, बस हमारा डेटा पूरा का पूरा था, सारा का सारा क्या था हमारे पास डेटा था, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ डेटा था। लेकिन वहां पर एक क्लॉक पल्स हमें रिक्वायर्ड था, एक क्लॉक सिग्नल हमने लिया हुआ था, यानी कि इसका जो इस्तेमाल हो क्लॉक का जो इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि जो भी बिट्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो हमारे पास क्लॉक सिग्नल उसका ऑलवेज वर्क करेगा ही करेगा। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है किसी चीज को आप एक पीरियड के साथ एक टाइम के साथ बाउंड कर दे, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, और जब हमारे टाइम वर्क फ्री होगा दैट इज एसिंक्रोनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केबल मॉडल, ठीक है। जनरली क्या होता है, केबल मॉडल जो होते हैं वो हार्डवेयर की टाइप होती है, केबल टाइप होती है हार्डवेयर की, देट कनेक्ट कंप्यूटर डिवाइसेस विद योर आईएसपी, जो कि हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस को आईएसपी के साथ यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उसके साथ उसे वो क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास केबल मॉडल है वो कौन कौन सी यूज करते हैं, कोएक्स केबल यूज करेंगे, ठीक है, जैसे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं एक केबल के थ्रू ही तो आते हैं हमारे पास, भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास ठीक है वायरलेस अगर भी आप कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्ट तो करोगे उसे, तो वो जो कनेक्शन होगा दोनों के बीच में वो हमारे पास होता है जिसमें केबल मॉडल के थ्रू, ठीक है। केबल मॉडल जो होते हैं हमारे पास जितने भी रेजिडेंशियल कमर्शियल एप्लीकेशन है वहां पर केबल मॉडल यूज करते हैं, जिसमें मल्टी चैनल मिलता है वॉइस इंटरनेट टेलीविजन एक्सेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जियो फाइबर अगर आ रहा है आपके पास या जो लोग यूज कर रहे हैं जियो फाइबर पे, तो उन्होंने एक ही कम्युनिकेशन लाइन दे रखी है, यानी कि आपके इंटरनेट पर ही सारी चीजें अवेलेबल है, आप डीटीएच सर्विस डीटीएच भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके पास टेलीविजन एक्सेस भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट भी आपका चल रहा है और आपको फोन फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कॉल भी कर रहे हैं उसी में, उसी से आप टीवी भी देख रहे हैं और उसी पे आपका नेट भी क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि एक स्क्रीन पे करें, यानी कि आपका नॉर्मल डीटीएच सर्विस प्रोवाइड भी होती है उसी से, उसके आपका एक लैंडलाइन फोन रखा है तो आप उसके सिग्नल्स का उस पर कॉलिंग भी करेंगे और नेट भी यूज करेंगे, तो इस सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं, जैसे बेसिकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल जियो फाइबर आज के डेट से दे रहा है आपका, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे केबल मॉडल के थ्रू होते हैं। इसमें क्या है, उन लोगों ने क्या किया अंडरग्राउंड वायरिंग जो है उसको यूज किया है, केबल्स को यूज किया है और उसके थ्रू हमारे पास क्या आपकी सारी सर्विस प्रोवाइड होती है, क्योंकि जो केबल डाल रहे हैं जो फाइबर केबल की बात कर रहे हैं वो एक काम करता है डिजिटल ट्रांसमीटर, ठीक है, वो काम करेंगे केबल के साथ डिजिटल ट्रांसमीटर का, वो क्या करते हैं रिसीव करेंगे डेटा सिग्नल्स हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है एंड उसको जो भी हमारे डिजिटल लैंग्वेज है उसमें इमीडिएटली क्या करते हैं वो ट्रांसमिट कर देते हैं, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, और हमारे राउटर से वो हमारे पास पहुंचता है इसके थ्रू इथरनेट वाईफाई कनेक्शन है कैसे भी आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था मॉडल और मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो जनरली हमारे पास मॉडल क्या करता है, मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, जो सेंडर साइड है वहां से डिजिटल किसमें कन्वर्ट होगा एनालॉग में, और जो रिसीवर साइड है वहां एनालॉग किसमें कन्वर्ट होगा डिजिटल में, दैट इज डीमॉड्यूलेट होगा। तो ये मानव इतिहास बताएंगे इसका मॉडल का कैटेगरी हमने पढ़ी है, ठीक है, वायर मॉडल टू वायर का फोर वायर का हाफ है फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस सिंक्रोनस मॉडल।
और इस टॉपिक के साथ ही आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी यूनिट फर्स्ट ईयर, उसी के अंदर आपको एक कह सकते पूरी नेटवर्किंग का सारा बेसिक स्ट्रक्चर उसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बाकी में आपके पास इतना टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक से छोटे हैं, लेकिन वो बहुत वाइड टॉपिक थे आपके। ठीक है, बाकी सारे यूनिट्स के इतने बड़े टॉपिक आपके पास नहीं है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में टाइम लेकर के डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।